आगरा शहर यूँ ही पूरी दुनिया में नहीं जाना जाता है। अभी जिस वक्त हम इस वक्त बात कर रहे हैं यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश एक अलग ही अपनी पहचान रखता है। इसी क्रम में यूपी में जो इलेक्शन एमएलसी के जो होने वाले स्नातक के, इसी कड़ी पे हमारे साथ मुन्नी जी जो जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि किस तरह से जो है आगे ये चुनाव प्रचार अपना करना चाहती हैं और अगर एमएलसी बन जाती हैं उनके उद्देश्य क्या रहेंगे। क्या नाम मैम आपका? मुन्नी देवी दोहरे। तो मुन्नी देवी, ये बताइए जी, आप जो है एमएलसी प्रत्याशी हैं जी, आपके क्या उद्देश्य, अगर आप जो है इस पर विजय प्राप्त कर लेती हैं तो क्या उद्देश्य हैं आपके, क्या करेंगे आप? सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पुरानी पेंशन की बहाली के लिए उस सदन में आवाज़ उठाऊंगी, उसे पूर्ण करने के लिए प्रयास करूंगी। सभी स्नातक भाइयों को रोजगार दिलवाकर, सभी स्नातक भाइयों को उच्च कोट के कोचिंग खुलवाकर उनको सरकारी सेवाओं में पहुँचाने का कार्य करूंगी। प्रत्येक भर्ती विज्ञापन का शुद्ध रूप से निकाला जाना सुनिश्चित हो ताकि भर्ती प्रक्रिया फंसे ना और 3 महीने के अंदर उसको पूरा किया जाए। आप जानते हैं, देख रही हैं कि इस वक्त जो हमारी कंडीशन में गुजर रहे हैं हम लोग, पता ये चल रहा है कि हर स्नातक, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जाने कितने ऐसे घूम रहे हैं कि बेचारे ठेला लगाने पर मजबूर हैं, कोई चाट पकौड़ी बेच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कि व्हाट शुड बी डू, क्या करना चाहिए हमें? जी, मैं जो स्नातक बेरोजगार भाई हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिलवाने के लिए प्रयास करूँगी और उस दिन में उनके लिए प्रयास करूँगी। आगे की इस तरह से जो आपका प्रयास रहेगा, खाली ये औरतों के लिए रहेगा या पुरुषों के, सबके लिए रहेगा? सबके लिए रहेगा, यानी बेरोजगार महिलाएं हैं उनको लिए और निजी व्यापार करने के लिए उच्च दर में उन्हें अनुदान की सहायता के लिए मांग करूंगी। अभी आप देख रहे हैं इस कंडीशन में रोजाना जुल्म हो रहा है, कहीं नाम दिया जाता है, हमारी गवर्नमेंट नाम दे रही है सबका साथ सबका विकास और नारी शक्ति मिशन शक्ति, इसके अलावा भी रोज़ाना ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, खासतौर से औरतों के प्रताड़ित किया जाता रहता है, ऐसा कोई कदम आप उठाना चाहेंगी? जी, मैं इसके लिए यानी जो सभी जिलों में अपनी शासन स्तर पर टीम लगाकर नागरिकों की यानी भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करूँगी। आपका जो क्षेत्र रहेगा काफ़ी बड़ा रहेगा, ऐसे कैसे आप कवर करेंगे, हाउ यू विल मैनेज अबाउट ऑफ इट? जी, मैं अपनी सभी जिलों में टीम लगाकर नागरिकों की शासन एवं प्रशासन स्तर से भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करूंगी। और कोई ऐसा काम करना चाहेंगी जिससे कि अलग ही आपकी छवि सबके सामने आए? जी, किस टाइप का काम करना चाहेंगी? जैसे बेरोजगार स्नातकों को चिकित्सा हेतु 10% की भुगतान पर इलाज की मांग, बेरोजगार भाइयों को प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क यात्रा भत्ता दिलवाने की मांग, सरकारी कर्मचारियों की तरह अशासकीय कर्मचारियों को पारिवारिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की मांग, संविदा कर्मियों को निजीकरण करवाने की मांग, असहायता प्राप्त विद्यालयों को शासकीय विद्यालयों में परिवर्तन करने की मांग। थैंक यू सो मच। ये थी मुन्नी जी, इन्होंने बताया कि जो सभी जानते हैं कि जो MLC स्नातक में वही वोटिंग कर सकते हैं जो ग्रेजुएट होता है, BA, BCom, BSc या फिर कोई डिग्री अगर उसके पास है तो जो इस पर वोटिंग कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इन्होंने बताया कि जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और वो जो बेरोज़गार हैं, ऐसे लोगों को हम रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। और इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी स्कीमें सामने लाई जाएंगी जिससे कि नारी शक्ति का ही नहीं पुरुष शक्ति का भी विकास होगा। और एक इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ करना चाहेंगी कि जिनकी छवि अलग हो और हमारे देश का नाम रोशन हो। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ प्रियंका वरुण, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला सुरक्षा संघ। आप जो है एक भारतीय महिला राष्ट्रीय सुरक्षा संघ की एक नेशनल प्रेसिडेंट हैं जी, तो आपकी टीम जो है क्या कार्य कर रही है? ये कार्य जो है हमारी टीम कंटिन्यू लगी हुई है और आगरा खंड स्नातक से MLC की प्रत्याशी हमारी माननीय मुन्नी देवी जी MD दोहरे जी हैं, जो कि बहुत अच्छा समाज में छवि के साथ साथ महिलाओं के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्से में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि ये जो चुनाव है वो 12 जिले का चुनाव है, साथ ही इसमें वही फाइट कर सकता है जो MLC प्रत्याशी, मतलब कि जो स्नातक है वोटर, चाहे वो BA, BCom, BSc या अन्य जो डिग्रियां हासिल रखता है वह व्यक्ति इसमें वोट कर सकता है। तो साथ ही मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी समस्त देशवासियों से भी और साथ ही जो 12 जिले की जनता है उससे और MLC स्नातक जो वोटर है हमारे, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, जिन्होंने भी अपना MLC स्नातक का वोटर बनवाया है और वो माननीय MD धोरे जी के पक्ष में जाकर के अंग्रेजी
जी का एक लिख करके उनके नाम के सामने उनको 1 दिसंबर को वोट जरूर करें। तो आप लोगों को क्या लाभ मिल सकता है? हमारे तरफ से हमारी माने जो MLC स्नातक की प्रत्याशी हैं उनके लिए लाभ ये है कि हमारे संगठन का हर कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी 12 जिलों में के साथ साथ हमारा अन्य जिलों में भी संगठन गठित हो चुका है, तो जो भी 12 जिले राज्यों में जो भी संगठन फाइट कर रही हैं मैम, वो सभी लोग माने MD धोरे जी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जो आपकी टीम है, टीम क्या जो तो इनके मुन्नी देवी के लिए कुछ काम कर बिल्कुल बिल्कुल पूरा काम किया है। इससे पहले जो भी है हम सभी ने वोटर बनवाए हैं और वोट बनवाने के साथ साथ जो भी स्नातक वोटर हैं उनको 1 दिसंबर को घरों से ले जा करके जो भी स्नातक वोटर हैं उनको वोट डलवाने का काम भी किया जाए। वोटर को आप कैसे जागरूक करेंगी या करना कर रही हैं? वोटर जो भी जागरूक था वो पहले ही हो चुका है और वोटर बहुत ज्यादा समझता है और अभी समय है केवल 1 दिसंबर का हमारे पास। अभी आपको पता है कि बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी दे हैव कंप्लीट ग्रेजुएशन, उसके बावजूद भी उनके पास अभी तक वोटर ID ही नहीं बनी है या किसी के नहीं आई है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग उनके लिए क्या दिशा निर्देश करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम आगे के लिए दिशा निर्देश ये कर सकते हैं क्योंकि ये जो वोट का अधिकार है वो बाबा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर VR अम्बेडकर जी ने हमें दिया और इस वोट का अधिकार को हमें बेकार नहीं जाने दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये जो वोट का अधिकार है हमें राजा बनने के लिए मिला है, ना कि भिखारी बनने के लिए। अगर एक एक वोट की कीमत अगर हम समझे, चाहे वो स्नातक का हो या अन्य चुनावों का होता है, लोकसभा का होता है, चाहे विधायक का चुनाव हो, तो हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ कर वोट करना चाहिए। साथ ही ये जो स्टडी वाला वोट है ये वो उन एजुकेटेड बच्चों के लिए जो बढ़ चढ़ कर अपना भविष्य जान सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज हमारे पास सरकार के चलते वो रोजगार नहीं है, है ना। हमारे जो शिक्षा का है सभी हनन हो रहा है, लेकिन इस समय में अगर हम अपने समाज का व्यक्ति निकाल करके एक वो महिला प्रत्याशी उतारते हैं और जो महिला हमारी MD धोरे जी हैं तो वो बढ़ चढ़ करके महिलाओं के लिए काम भी किया है उन्होंने। आप देखते हैं बहुत सारे ग्रेजुएट होने के बाद भी सोच में एक पड़ जाती है, अरे यार हमें कौन सा कोई नेता जी कुछ दे देंगे, इस टाइप की जो लोगों की मेंटेलिटी हो जाती है, उसके बावजूद ऐसे लोग वोटिंग नहीं करते हैं, तो क्या ऐसा भी आप कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे उनके माइंड चेंज हो और वो जो है वोटिंग लिस्ट में जाएं और अपना नाम निकलाएं और वोटर वोट दें? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वोटर स्नातकों को अपील भी करना चाहूंगी कि आपका वोट अगर बना हुआ है और आपने वोट सच में बनवाया तो आप माननीय MD धोरे जी को सपोर्ट करिए। साथ ही साथ जिन लोगों के स्नातक होते हुए जो आप डिग्रियां घर लेकर के बैठे और शिक्षा का कोई महत्व नहीं समझते हैं, तो मैं मानती हूँ ये शिक्षा जो आपकी बेकार है, क्योंकि ये जो शिक्षा के बाद हमें जो वोट करने का अधिकार मिला है वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने दिया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके अगर अभी ना होकर के आगे जो स्नातक डिग्रियां हासिल कर चुकी है स्टूडेंट ना, उनको अपना वोट बनवाना चाहिए। और